तो हम बात करने वाले हैं एन नाम वाले जातक का। 25 से लेकर के 28 मई 2022 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस समय चंद्रमा मेष राशि और मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य मकर राशि से बाहर निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल धनु राशि में रहेंगे। बुध पहले धनु राशि में थे लेकिन बाद में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु यानी कि बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, राहु वृष में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, यह था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। अब आइए हम ग्रह गोचर का मूल्यांकन करते हुए बात कर लेते हैं आपका भविष्य क्या कह रहा है। सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत ही उत्साह प्रदान करता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दुविधा और उलझन की स्थिति बनी रहेगी लेकिन यह बस ऊपरी आवरण है। जैसे ही स्थिति साफ होगी आप वास्तविकता को देख पाएंगे। शुरुआत में सब कुछ उलझा हुआ सा लगेगा लेकिन समय के साथ साथ सब ठीक होगा। अपना समय लें और चलते रहें, आपको सफलता मिलेगी। परिवर्तन तो जरूर होंगे लेकिन आपके भविष्य के लिए शुभ साबित होंगे। आप में बेहतरीन प्रशिक्षण होने की प्राकृतिक योग्यता है लेकिन अगर कोई आपके आसपास आपको खुद की देखभाल के बारे में याद दिलाने वाला ना हो तो आपको खुद का ख्याल रखना याद नहीं रहता। लेकिन यह याद रखें कि आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए सबसे बड़ा निवेश है। अगर आपने कभी इस तरह नहीं सोचा तो अब इस बारे में सोचने का सही समय है। अब हम बात कर लेते हैं आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतारकर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि यह तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन न करें, यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। अब हम बात कर लेते हैं आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी, आपका करियर कैसा रहेगा। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन ये समय अपना हुनर, रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को दिखाने का है और हो सकता है कि आपको अपने परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ना पड़े लेकिन ये आपके करियर को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप इस काम को सही ढंग से कर पाएंगे तो ये आपको उस मंजिल तक ले जा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। आपको अपने घर और कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बिठाना होगा ताकि आप दोनों क्षेत्रों का आनंद उठा सकें। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र या अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए किसी पारंगत व्यक्ति या अपने निकट जानने वाले व्यक्ति से परामर्श लेते हैं तो ये सुझाव आपको काफ़ी लाभ दे सकता है। यह दिन इंजीनियरों और कंप्यूटर में प्रवीण व्यक्तियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको दूसरी नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है या उसी नौकरी में स्थान परिवर्तन के संकेत भी आपको मिल सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शक, हम मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, धन्यवाद।